गुड इवनिंग एवरीबडी, माय नेम इज पार्थ सिंह, हाउ आर यू? सो बिफोर गोइंग ऑन टू द फिजिकल सफरिंग पार्ट, मैं कुछ आपसे कन्फेस करना चाहता हूँ और एक तरीके की रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो मेरे घर में मेरे फादर को एक रेयर कंडीशन से पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं, ठीक है। उनकी मेडिकेशंस हैं, 2-3 बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था, तो उनकी मेडिसिंस हैं ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार की उनकी मेडिसिंस चली जाती हैं मंथ की। एंड हेयर आई एम इन दिल्ली इन्वेस्टिंग इन माय बिजनेस, सर्वाइविंग हेयर लाइक क्वाइट गुड। मतलब पिछले 3 साल से आई हैव बीन क्वाइट गुड, आई हैव बीन डूइंग इवेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम लर्निंग, है ना। सो इन दिस केस वेयर आई एम इन्वेस्टिंग सो मच ऑन माई बिजनेस और trying to grow financially more and initial startup phase we are right now. We have a team of around 6 to 7 people. So at this moment, the thing is that कि जो मेरा family itch है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा invest करना पड़ता है उधर भी, तो ऐसे में I have a request. Now you can call me दोगलापन or you can call a hypocritic. I can accept that honestly. बट इस आपदा में मैं अपने माता पिता को पहले रखना चाहता हूँ और इसके चलते आई हैव टू मोनिटाइज द चैनल। नाउ इट्स नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो यू नो दैट, राइट? सो इन फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज आई हैव प्लान्स। अभी मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ इस पर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रैक्शन है वो उतना आ नहीं पाता, और डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक कि आप क्या टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं उस पर भी व्यूज आते हैं। तो ऐसे में मैं अपने माता पिता को पहले रखना चाहता हूँ, मैं अपने घर को पहले रखना चाहता हूँ, और आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जस्ट बिकॉज आप किसी के बहुत रेविंग फ़ैन हैं और आपने मज़े में या मतलब जो भी है, मतलब एक जुनून होता है उसमें आपने बोल दिया या शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है मुझे चीज़ों की रीजनिंग देखना ज़्यादा सही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाई नॉन मोनेटाइजेशन, क्योंकि ऐसे में ये फील आती है कि ना आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ, आपसे पर्टिकुलर आपके पॉकेट से कोई पैसा नहीं जा रहा है, वो यूट्यूब से मेरे पास पैसा आ रहा है, राइट, यूट्यूब प्रोग्राम से। तो जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रखी है और मैं एक अपने स्टार्टअप फेज में हूँ और जहाँ पे मुझे अपने घर वालों का भी देखना है, सबका देखना है, पिताजी की मेरी तबीयत ख़राब चलती है, 10-12 हज़ार की उनकी मेडिसिंस है, तो क्यों ना हम इससे निकालें, है ना। तो ऐसे में दिस इज़ अ ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई एम ट्रांसपेरेंट अबाउट, ओके। मैं आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बोल रहा हूँ। अभी तक मतलब मैंने पूरे चैनल मोनिटाइज नहीं किया, लास्ट वीडियो में सिर्फ एक मोनिटाइज ऑन किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसके बाद करने वाला हूँ पूरे तरीके से। यू कैन कॉल मी दोगलापन, मे बी आई एम कीपिंग माई माता पिता, तो आई डोंट थिंक सो, आई एम रॉन्ग इन दैट सीन। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मैं नॉन मोनेटाइज करता हूँ तो मेरा नाम सिर्फ सीधा SM से जुड़ता है जाके। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम उनके साथ जुड़े, मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग आइडेंटिटी हो और कुछ भी ऐसे ट्रेट्स, ऐसे फीचर्स जो हैं जो आपको एक कॉपी वाली चीज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से एक छवि करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मेरी इंडिविजुअल कैरेक्टर है मेरा, और मेरा चीज़ों का देखने का ढंग मेरा अलग है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ भी कॉपीड हो उधर की तरफ से, कि ऐसा लगे कि यू नो कि अच्छा उन्होंने किया तो उन्होंने भी कर दिया। लेकिन हाँ, ये है कि उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर रोल है और वो खुद भी कहते हैं कि आप पहले अपना देखिए फिर दुनिया का देखिए, ठीक है। तो इस केस में मैं चैनल को मोनेटाइज कर रहा हूँ और क्योंकि मेरी फैमिली का जो, मैं बार बार इसको नहीं बोलना चाहता लेकिन फिर भी मुझे पता है कई लोगों को लगेगा कि दोगलापन है ये वो, तो हाँ मैं मान सकता हूँ, हो सकता है आपको लगे, लेकिन जब किसी का आप पीछे समझने की कोशिश करिए बैकग्राउंड क्या होता है लोगों का, है ना। तो जहाँ पर मैं अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरा 2.5 लाख रुपए के आसपास आप समझ लीजिए मैं फेसबुक एड्स में लगा चुका हूँ, उसके बाद मेरा 3.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट मेरा गूगल एड्स में लग चुका है, आप सोच रहे हैं पिछले 2 साल से। तो बहुत लर्निंग हो रही है, कोई फालतू पैसा नहीं जा रहा है, बहुत लर्निंग हो रही है। और स्पेशली एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में आपको पैसे डाल डाल के सीखना होता है,
आप ऐसे नहीं सीख सकते कि भैया बुक से पढ़ लिया, दुनिया के सारे बड़े लोगों की बुक्स तो पढ़ ली लेकिन अप्लाई करा तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज ही रहेगी वो, है ना। इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें बोध बहुत ज़रूरी, हर चीज़ का अनुभव बहुत ज़रूरी है। जब तक अनुभव नहीं आता तब तक विश्वास नहीं होता है। आप किसी किताब में पढ़ोगे कि ऐसे करके ये टेक्निक होती है कन्वर्ट करने की कस्टमर को, और आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, आप कभी विश्वास ही नहीं करोगे, आपका माइंड हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता रहेगा उसके पीछे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अभी अनुभव नहीं हुआ है उस चीज़ का। जब हमें उसका अनुभव हो जाता है तो हमारा विश्वास एक्चुअली जो है वो सही विश्वास हो जाता है, रियलिटी से रिलेटेड एक विश्वास होता है वो हो जाता है। तो हियर बाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल एंड कि कॉल मी अ दोगला बट आई विल कीप माई फैमिली फर्स्ट। सो या सो हियर वी गो विद द टॉपिक टुडे एंड द टॉपिक इज दैट वॉट इज फिजिकल सफरिंग, राइट। तो केमिकल सफरिंग में बहुत लोगों का रिस्पॉन्स है, आप लोग मैसेज करते हो, डीएम करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूँ रिप्लाई नहीं दे पाता, वो बात अलग है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस लेवल पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ क्या लोगों को दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि कितना भी इसको सरल करने की कोशिश करो लोग कहीं ना कहीं इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आप पहले चीज़ों को 10 बार सुनिए, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे आइए, है ना। ऐसे मत करिए कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आप उसको खुद इन्वेस्टिगेट करिए, ठीक है। तो कई लोगों को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लगता है कि जब आप लोग डीएम करते हैं मेरे को, आई फील ग्रेट टू बी रियली ऑनेस्ट। अगर मेरे को बोला जाए कि आप बिजनेस, म्यूजिक या स्पिरिचुअलिटी तीनों में से एक चीज चूज करो, तो मैं सबसे पहले इसको रखूंगा आंखें बंद करके, ठीक है, आंखें बंद करके आपसे रखूंगा। और आप निश्चिंत रहें, आपके साथ जो पॉडकास्ट मेरे होंगे या फ्यूचर में वीडियो पॉडकास्ट या सेशंस होंगे वो निःशुल्क रहेंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए, आपके जेब से कोई पैसा नहीं होगा। जो भी पैसा है YouTube प्रोग्राम से होगा, वो भी शायद मैं बाद में ऑफ कर दूँ, मुझे कुछ मेरा कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है मुझे लगे कि नहीं, अब मुझे लगता है यहाँ ये दिक्कत कर रहा है तो मुझे ऑफ भी कर सकता हूँ मैं, हो सकता है पूरे ज़िंदगी ऑन भी रहे। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि मेरी जो फैमिली है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे उसको पहले देखना है, मुझे अपने मेरे फादर का मेरा अलग से मान लीजिए कुछ एक सर्टेन अमाउंट निकल रहा है मेरे फादर के लिए, तो मैं यहाँ ऑन कर दूंगा वो अमाउंट मेरा बच जाएगा, है ना। तो चीज़ें ऐसी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये एक बुद्धिमता का काम है। और मैं किसी भी रेविंग फैन, किसी का भी रेविंग फैन, बर्निंग डिज़ायर किसी का पाल के, मैं उसकी तर्क को, उसकी रीजनिंग को, उसके तथ्य को नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। तर्क के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये नॉन मोनेटाइज रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि देर इज़ नो, यू आर नॉट पेइंग मी, आई एम नॉट टेकिंग। जैसे आप कई लोग रूरल इंडिया से सुन रहे हैं, उनके पास 100 रुपये अफोर्ड करने के लिए भी नहीं है, बट आई एम नॉट टेकिंग फ्रॉम यू, है ना, आई एम टेकिंग फ्रॉम यूट्यूब। सो आई डोंट सी अ लॉजिक ऑल्सो ओवर देयर, एंड देन देर इज़ दिस आपदा कह लो या विपदा कह लो जो भी है विद द फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, सो इट्स ओके, आई थिंक इट्स माई डिसीजन, सो बेयर विद मी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस चैनल और पॉडकास्ट, ओके। और बाय द वे स्पॉटिफाई पे अभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, एड्स आ रहे हैं, इंडिया में स्पॉटिफाई पे अभी ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी स्पॉटिफाई है और ये ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि एप्पल म्यूजिक और ये सब, अभी इंडिया में किसी पर भी मोनेटाइजेशन नहीं आया है, सिर्फ US में आया हुआ है। तो एड्स तो आ रहे हैं पर मोनेटाइजेशन नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे अभी ट्रैक्शन नहीं है इतना, पॉडकास्ट के नाम पे कोई अभी है नहीं यहाँ पे। और तो अब हम चालू करते हैं फिजिकल सफरिंग, व्हाट इज फिजिकल सफरिंग, राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। कोई भी सफरिंग, कोई भी कष्ट अगर शरीर से उत्पन्न हो रहा है तो वो फिजिकल सफरिंग में आता है। फिजिकल सफरिंग का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल वर्ल्ड से आ रही है, क्योंकि ऐसे तो सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड से आ रहा है, अकेलापन भी फिजिकल वर्ल्ड से आ रहा है, अकेला कमरा अकेला है, आप कमरे में आप अकेले हो, ये बाहर इन्वायरमेंट है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है अकेलापन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लड़की नहीं है, अंजलि नहीं है आपके पास, उससे शादी नहीं हुई,
तो आपकी इंटेलेक्चुअल सफरिंग, ऐसा तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो सब में है कहीं ना कहीं, और इंटरनल भी है दोनों में, बट ये जो पर्टिकुलर सफरिंग है, ये सफरिंग क्रिएट होती है फिजिकली. नाउ लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू. अराउंड मंथ्स बैक, कुछ हफ्तों पहले, मैं मेडिटेशन कर रहा था और मेडिटेशन में मुझे अच्छा लग रहा था. फिर 3-4 महीने बीत गए, मैंने योगा नहीं किया, और एक दिन मैं बैठा, मेरे से मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, और हो भी रहा है तो उस लेवल पे वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो पहले मिलती थी. तो मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली जिम ज्वाइन कर लिया. मैंने कहा कि मुझे जिम करना होगा, और जब मैंने जिम किया और जिम भी चल रहा था, मेडिटेशन भी चल रहा था, इधर से उपनिषद और गीता ये सब भी मैं पढ़ रहा था. उपनिषद तो मैंने नहीं पढ़ा है वैसे, बट गीता मैं पढ़ रहा था, और अपने अंदर जो नॉलेज है, जो ऑब्जर्व करके नॉलेज आती है, एक एक चीज़ को बारीकी से देख के, वो गैदर कर रहा था. ये सब कुछ हो पा रहा था क्योंकि मैं जिम जा रहा था, तो शरीर भी एक्टिव रहना चालू. जो शरीर चाहता है आप उसे भगाएं. अगर आप शरीर को भगाएंगे नहीं और मेडिटेशन की पोजीशन में बैठाए रहेंगे, तो शरीर से उत्पन्न होने वाली सफरिंग क्रिएट होती है, कष्ट क्रिएट होता है, कष्ट पैदा होता है. ठीक है, तो आपको ये समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है कि जो सफरिंग है वो क्रिएट होती है इससे. ठीक है, फिजिकल से भी. तो इन सारी सफरिंग्स का, इन सारी जारे सारे जो कष्ट हैं चार तरीके के, शरीर से और एग्जिस्टेंशियल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये सारे और केमिकल, ये सारे जो भी हैं, ये सारे जो भी हैं, ये सारे सेंटर पॉइंट करते हैं मूड को. मूड इन सबसे कनेक्टेड है. शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी 3 जगह आप काम सही कर रहे हो, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो मूड खराब होगा. ठीक है, आप शरीर सही कर रहे हो, जैसे जिम जा रहे हो, जैसे सब जाते हैं, सब कुछ सही कर रहे हो, योगा भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका दारू पीने का मन करता है, तो समझ लो आपका फिर केमिकल सफरिंग है, यानी कुछ ना कुछ, और अकेलापन भी है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग है. तो ये 3 सफरिंग आपकी है, पर शरीर सही है, शरीर आपका एकदम स्वस्थ है. ऐसे बहुत सारे आप लोग देखोगे जो स्वस्थ हैं पर सफर करते हैं, उनको अकेलेपन में नहीं रहा जाता. और बहुत सारे लोग तो एडमिट ही नहीं करते कि मुझे अकेलापन है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. लोग अकेलापन एडमिट ही नहीं करते सर, देयर इज नो एडमिशन ऑफ अकेलापन, यू डोंट एडमिट इट ओनली. देयर आर लॉट ऑफ वेरी लेस पीपल, देयर आर जो एडमिट करते हैं कि हाँ मैं अकेला हूँ. और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप अकेले हो, तब तक चीज़ें चालू नहीं होंगी. इसी को हम इग्नोरेंट बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो इग्नोर करता है सब कुछ और मटेरियल में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उनको लगता है मटेरियल में कुछ पड़ा हुआ है. एक और भी थ्योरी है कि मटेरियल में बहुत बार, जब ये पूरी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है, इसके बाद जो लाइफ टाइम है वो भी खत्म होती है, इसके बाद भी लाइफ टाइम जो वो भी खत्म होती है, तब आपको एक टाइम बाद रियलाइज होता है कि अब मैं मटेरियल में हो चुका. तो ये लोग अभी अपनी ग्रोथ पे हैं, मटेरियल वाले. ये मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे, बार बार इंजॉय करेंगे, फिर जब बार बार रेपिटेशन में हो जाएगा, तब वो एक टाइम आएगा कि अपने आप माइंड कहता है कि चल कुछ और रास्ता देखते हैं. तो इट माइट टेक 100, 500, 1000 years, डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थिंग. सो एनीवे, सो फिजिकल सफरिंग. सो मैंने बताया था कि लास्ट में प्राण कोश का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है. अब ये 5 तरीके के लेयर्स होती हैं, इसके बारे में पॉडकास्ट कर चुका हूँ पहले मैं, आप मेरे स्पॉटिफाई पे आके देख सकते हैं, या मैं कभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे. आप चाहते हैं कि अगर मैं पॉडकास्ट रेगुलर अपलोड करूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ नीचे ज़रूर लिखें. ठीक है, तो हर कोई जिम करता है पर कोई भी योग नहीं करता. योगा वर्सेस जिम का मेरा को आपको एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आप योगा कर रहे हो तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रेच हो रही हैं. अकड़न, शरीर में अकड़न सफरिंग का पहला चरण है. अगर आपके शरीर में अकड़न है, आप नीचे झुकते हो, आप हाथ अपनी उंगलियां पैरों की उंगलियों में टच नहीं कर पा रहे हो, पश्चिम आसन बोलते हैं इसको, आप वो सब नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे हाथ नहीं कर पा रहे हो, आप आप स्प्लिट्स नहीं कर पा रहे हो, आप ये सब आप देखोगे तो ये सफरिंग क्रिएट करता है, क्योंकि अकड़न बहुत बड़ी चीज़ है जो शरीर को सफरिंग क्रिएट करती है शरीर में.
तो अकड़न जाती है योग से, आदमी करता है जिम, जिम से अकड़न बढ़ती है। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, स्ट्रेंथ भी करना है मसल्स को और मसल्स को स्ट्रेच भी करना है। और स्ट्रेच ऐसा स्ट्रेच नहीं होता है कि आप बैठ गए और सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हो और कुछ सांस नहीं ले रहे हो, सांसों को पूरा अंदर भर के फिर स्ट्रेच करना होता है और फिर उसको छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे आपने फिर आप नीचे गए, मैं टच किया, या यू आर टचिंग द फीट नाउ, जब आप रिलीज करेंगे तब छोड़ेंगे। तो सांसों का चरण चलन भी बहुत जरूरी है। जब सांस चलाते हो तो प्राण जो है वो एकदम से पूरा पैरों तक जाता है, इट इज सेम लाइक ब्लड। जब आप ज्यादा सांस लेते हो तो ब्लड अच्छे से जाता है पैरों में, वैसे ही इसमें भी होता है। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा डिग कर रहे हैं डीप, तब क्या होता है, ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जब आप बच्चे होते हो तो आपका शरीर लचीला होता है, किसी बच्चे का शरीर देखना एकदम लचीला होता है, और जब आप छोटे होते हो तब भी शरीर लचीला होता है, फिर आप जैसे टीनेजर में आते हो आपका शरीर में अकड़न आना ही चालू होती है, इसको राइगर मोर्टिस बोलते हैं। जब भी प्राण शरीर से पूरी तरीके से निकल जाती है यानी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, आप देखो शरीर अकड़ जाता है। शरीर अकड़ता इसलिए है क्योंकि स्ट्रेचिबिलिटी प्राण से आती है। जैसे एक पेड़ में अगर आप लाइफ, अगर कहीं भी लाइफ है तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक पेड़ अगर मर गया है, मुर्दा है, तो आप देखोगे उस पेड़ को एकदम अकड़ा हुआ रहता है, देखने का भी मन नहीं करता, सूखी टहनियां, सूखा सब कुछ, खड़ा हुआ है, कोई एक पत्ती नहीं, ना कोई लचीलापन, कुछ भी नहीं है, मरा हुआ पेड़। लेकिन पेड़ में अगर जब जीवन होता है तो पेड़ लचीला होता है। पेड़ में जब जितना अच्छा जीवन होता है पेड़ लचीला होता है। जीवन का मतलब ही प्राण है, जहां प्राण है वहां जीवन है। आपने एक वर्ड सुना होगा निधन, निधन का मतलब क्या होता है, मृत्यु, बिना धन का। मतलब क्या, एक्चुअली में धन का मतलब पैसा नहीं है, एक्चुअली में धन का मतलब नोट नहीं है, सिक्के नहीं है, अशरबियां नहीं है, एक्चुअली में जो धन का मतलब है वो है क्या, एक्चुअली में धन का मतलब है प्राण। इसीलिए जब मर जाता है आदमी तो उसको बोलते हैं निधन हो गया, निधन हो गया। ठीक है, तो धन जहां भी आता है, जब ये धन बढ़ने लगता है शरीर में, जब आप मेडिटेशन करते हो तो धन शरीर में बढ़ने लगता है, कहां से, सहस्रार चक्र से, अंदर एनर्जी जाती है। ये फील आप तब करोगे जब 2-3 साल डाउन द लाइन आपको मेडिटेशन हो जाएगा, तब आप ये प्राण फील करने लगोगे। अभी जैसे कि अगर आप कोई एक नॉर्मल इंसान को मैं फील कराना चाहूँ तो उसके लिए एक एग्जांपल है, आप रात में सो रहे हो, आपको दिल में यहाँ पे जलन हो रही है, घुटन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वहां पे अनहद चक्र आप फील कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में वहां पे सिर्फ सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वहां कोई ग्लैंड नहीं है। अगर आप शरीर को देखो तो वहां पे सिर्फ हार्ट है, हार्ट पंप करता है, वहां कोई ग्लैंड नहीं है, देयर इज नो ग्लैंड ओवर देयर। तो वहां पे सेंसेशन क्यों होती है, कभी ध्यान दिया आपने, आंखों के पास बीच में, भवों के बीच में सेंसेशन क्यों होती है, कभी ध्यान दिया आपने। नीचे कभी आप सेक्स कर रहे हो तो आप देखोगे कि आप सेक्स करने के बाद जब आपको बहुत लालसा होती है सेक्स करने की या मैस्टरबेट करने की, तो नीचे की तरफ सेंसेशंस होती हैं, कभी कभी वो इरिटेट भी करती है सेंसेशन नीचे की तरफ, तो वहां जहां जेनिटल्स होते हैं वो क्या है, वो मूलाधारा चक्र है। तो ऐसे आपको समझ में आएगा, अगर एक नॉर्मल इंसान को मुझे बताना हो जिसने आज तक मेडिटेशन नहीं किया हो, तो वो ये फील कर सकता है। ठीक है, आप कभी भी देखो आपको डर लगता है तो आपका जो सेंसेशन है नाभि के ऊपर होने लगती है, कहीं भी डर लगे, जैसे एकदम से बाइक चला रहे हो सामने से कोई निकल गया और एकदम से डर लगता हो, तो नाभि पे पूरी सेंसेशन होती है, स्वादिष्ठान पे कहो तो होती है वो, ठीक है, और अनहद पे होती है। कभी कभी जब आप ज्यादा सेक्स करते हो तो अनहद यानी हार्ट पे सेंसेशंस होती हैं, और वो सेंसेशंस एक्चुअली वहां कोई ग्लैंड नहीं है, वहां कोई सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ हार्ट ओवर देयर फिजिकली। सो देयर इज दिस कोश जिसमें ये चक्र होते हैं, और चक्रों में अंदर चक्रों से कनेक्टेड जैसे नर्वस सिस्टम होता है, आर्टरी आर्टेरियल सिस्टम होता है, वैसे ही उसी को इमेजिन करके आप समझ लो नाड़ी का जो सिस्टम होता है, नाड़ियां 72,000 नाड़ियां होती है शरीर में। ये नाड़ियां वक्त के साथ ब्लॉक होने लगती हैं, सिर्फ खुली रहती है बीच में, जैसे पोस्टमार्टम करते हैं तो बीच से काटते हैं, वहां पे सिर्फ नाड़ियां उतना ही सिर्फ सक्रिय होती हैं
जो लिम्स होते हैं, बाकी का जो शरीर होता है, पैर हाथ, ये नाड़ियां वहां ब्लॉक होने लगती हैं। जब वो ब्लॉक होती हैं तो प्राण का जो फ्लो है वो रुक जाता है, प्राण आगे बढ़ता नहीं है। जब प्राण आगे बढ़ता नहीं है तो सबसे पहले कहां पे बीमारी लगती है, 40 के बाद सबसे पहले बीमारी होती है एंकल पे, घुटने का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, ये सब पकड़ने लगता है। कार्टिलेज डीजनरेट होने लगता है, ब्लड सप्लाई जा रही है, लुब्रिकेशन हो रहा है, लेकिन लुब्रिकेशन में जो लिक्विड है वो खत्म हो रहा है। एक्चुअली में आज तक अर्थराइटिस का कोई भी कॉज नहीं बताया जा चुका है कि कॉज क्या है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये रिस्क फैक्टर है। कोई भी इंसान जो कसरत नहीं करता है, जो योग नहीं करता है, स्ट्रेच नहीं करता है, वो इंसान हमेशा, याद रखिएगा, उसका सबसे पहले एंकल यानी नीचे की तरफ, जहां पे, क्योंकि सबसे दूर वही है, सबसे दूर वही है, चक्रों से सबसे दूर वही है, तो वहां पे नाड़ियां बहती नहीं है। बहती नहीं क्यों? क्योंकि वहां ब्लॉकेजेस हो गए हैं। इट्स लाइक नाली है, नाली जाम हो गई है। तो वो ब्लॉकेजेस खुलते कैसे हैं, जहां पे एनर्जी पूरी तरीके से नीचे फ्लो हो और घुटने का और इसका दर्द ना हो। मैं फिजियोथेरेपी में हूं, ठीक है, मेरा एक सिबलिंग है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो मैंने वो कर रखा है। जब मैंने वो किया था तो उसके बाद मैंने म्यूजिक वगैरह स्टार्ट किया। म्यूजिक जब किया तो वहां से देखा पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे करते करते मैं मार्केटिंग में घुस गया, फिर मार्केटिंग से मेरे को प्यार हो गया, मार्केटिंग ही सब कुछ हो गया, मार्केटिंग का एक चैनल भी चालू करने वाला हूं मैं, तो बहुत ज्यादा वो हो गया। तो एक एक जर्नी थी मेरी, मतलब फ्लिप फ्लॉप ऐसे हो रहा है तरीके से। तो जब मैंने ये ट्रेनिंग की तो मुझे पता है थोड़ा सा ये अर्थराइटिस और ये सब चीज़ों के बारे में और फिजियोथेरेपी की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, और बिकॉज आई एम ए ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो मेरी मदर को अर्थराइटिस है, तो मैं अलग से उनको एक बैठ के एक बार मैंने सेशन दिया उनको, मैंने कहा आज थोड़ा सा योग डालते हैं इसमें। तो मैंने उनसे कहा, जो रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते हैं कभी भी, मैंने उनसे कहा कि आपका ये जॉइंट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को जॉइंट में पेन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एक सेकेंड जरा मुझे दीजिएगा, समथिंग, समबडी इज ऑन माय डोर। सो मैंने उनको बोला कि आप सांस को अंदर लो और पूरा होल्ड रखो, और जैसे उन्होंने होल्ड रखा, उससे पहले ही मैंने, होल्ड करने से पहले मैंने क्या करवा दिया था, मैंने उनको, मैंने उनका स्ट्रेच कर दिया था पूरी तरीके से, और मैंने कहा था कि आप पूरी तरीके से सांस लो, इनहेल करो और एक्सहेल करो, और स्ट्रेच पूरी तरीके से था, मतलब एंकल पूरा स्ट्रेच था, और वो करवाया, मतलब कम से कम एक एक स्ट्रेच पे मैंने 3-3 मिनट, 4-4 मिनट इनहेल एक्सहेल करवाया, और ऐसे ही सारे जो एंकल के स्ट्रेचेस पॉसिबिलिटी होती सब करवाया, फिर उंगलियों का करवाया, और उनका इतना ज़्यादा रिलीफ था। उन्होंने कहा था आज तक मैं इतने में, तुम क्या हो, तुम ये क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा छोड़ो मेरे को, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे कुछ दूसरे टारगेट्स हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे ट्रेनिंग मिली है वहां से, इट इज बिकॉज कि मुझे शरीर के बारे में पता है, मैंने शरीर पे ध्यान दिया है, मैंने शरीर पे मेडिटेशन किया है, मेरे शरीर में बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मैं लॉजिकली उसका आंसर ढूंढा, और जब लॉजिकली आप किसी का आंसर ढूंढते हो तो उत्तर आपको उसके अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो ये था, तो शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, प्राण में शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं। प्राण में शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो नर्वस सिस्टम और आर्टेरियल सिस्टम की तरह होती हैं। जैसे ब्लड फ्लो होता है पैरों तक, वैसे ही नाड़ियों से के थ्रू, नाड़ियों के अंदर प्राण फ्लो होता है। प्राण जब कम होने लगता है तो बीमारियां लगने लगती हैं, और अकड़न सबसे पहली चीज़ है। एक 25 साल के इंसान में बहुत अकड़न होगी, एक 35 साल में के इंसान में उससे ज़्यादा अकड़न होगी, और जब फाइनली शरीर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो अकड़न हाइपर हो जाती है, उससे ज़्यादा अकड़न, तो उसको राइगर मोर्टिस बोलते हैं। आई थिंक कई डॉक्टर सुन रहे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, तो राइगर मोर्टिस बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड राइगर मोर्टिस। ओके, राइगर मोर्टिस स्टार्ट सेटिंग इन एट द एज ऑफ 20 ईयर ओल्ड, स्टिल 20 बॉडी मेंटेन इटसेल्फ, 21-20 के बाद बॉडी डिटोरिएट होना चालू होती है, बॉडी को काम चाहिए, बॉडी कहती है आप मेरे ऊपर काम करिए नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगी आपको। तो शरीर में योग बहुत जरूरी है। आसन और जिम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जिम स्ट्रेंथनिंग करता है,
जिम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाता, और फ्लेक्सिबिलिटी इज द सिम्टम ऑफ लाइफ। वेयर देयर इज जीवन, जहां भी जीवन है, जिस जगह भी जीवन है वहां पे प्राण है। प्राण ही शरीर है, प्राण ही जीवन है, ठीक है। हर चीज प्राण है, पृथ्वी पे प्राण है पर मंगल ग्रह पे प्राण नहीं है, समझ, ध्यान देना। सिर्फ पृथ्वी पर प्राण है, और जहां भी प्राण होगा वहां पे इंटेलिजेंस लाइफ, इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कई ऐसी लाइफ हैं जो एक और ही कोई अलग सा एलिमेंट लेके पैदा होती हैं, लेके उनको, जैसे हम लोग फीड करते हैं ऑक्सीजन पे, हो सकता है वो फीड करते हैं CO2 पे या किसी और अननोन एलिमेंट पे, तो वी डोंट नो दैट। बट जितना मैंने देखा है, अगर हमारी जैसी लाइफ चाहिए, हमारे जैसे इंटेलिजेंस लाइफ चाहिए, तो प्राण का होना बहुत जरूरी है शरीर में। प्राण बहुत जरूरी है, प्राण जो है वो आपको स्वस्थ रखता है। धन बोलते हैं, इसीलिए इसको धन बोलते हैं, इसको रियल धन बोलते हैं, मनी। धन का मतलब क्या होता है, वो अगर आपके पास धन बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, कंफर्ट होता है। तो ये जो धन है, जब शरीर में ये धन बढ़ता है, तो माइंड में जब ये धन बढ़ता है, तो वही अमृत रिश्ता है। जब वो अमृत रिश्ता है पीनियल ग्लैंड से, तो आपको मजा आता है। और जैसे ही कम हो जाता, आप मेडिटेशन छोड़ दो, फिर ये सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। तो ये धन जो है, इसको आपको बढ़ाना होता है। जब ये धन बढ़ने लगता है, कैसे, साधना के थ्रू ये धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो कुंडलिनी अवेकनिंग की, अवेकनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम धन एकत्रित होता है, छोटा सा शरीर में। सुबह उठते हो, एक प्रारब्ध कर्म मिलता है आपको, सुबह प्रारब्ध मिलता है, शाम को प्रारब्ध वीक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रारब्ध है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रारब्ध के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जब आप धन लेते हो तो प्रारब्ध बढ़ जाता है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। जब ये धन बढ़ जाता है शरीर में, तो कुंडलिनी अवेकनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से बोतल में पानी डाल रहे हो आप पानी डालते जा रहे हो, तो पानी ऊपर आएगा, और ढक्कन बंद है। ढक्कन क्या है? आपकी खोपड़ी, जहां सहस्रार चक्र होता है, वो ढक्कन है। और पानी कहां से? ऊपर से ही पानी आ रहा है, लेकिन ढक्कन बंद है। शरीर के हिसाब से देखा जाए तो खोपड़ी खुली नहीं हुई है, खोपड़ी बंद है, है ना। आपका जो सिर है वो बंद है, जो क्राउन है वो बंद है आपका, लेकिन वहां से फिर भी एंट्री होती है। विश्व शक्ति बोलते हैं इसको। जब ये विश्व शक्ति ज्यादा होने लगती है, तो आपको जीवन में बहुत स्वाद आता है, जीवन मधुर हो जाता है आपका। आपका जीवन बैठे बैठे आपको ब्लिस का फील होती है, यू फील ब्लिस्ड आउट। अगर आपकी पीछे की 3 सफरिंग खत्म हो गई है, यानी इंटेलेक्चुअल, एग्जिस्टेंशियल और केमिकल सफरिंग, ये खत्म हो गई है, और शरीर की सफरिंग खत्म हो गई है, तब आपको ये फील होगा। अगर इंटेलेक्चुअल सफरिंग चालू है, तो धन कितना भी बढ़ा लो गुरु, कितना भी धन आप बढ़ा लो, कितना भी प्राण बढ़ा लो आप, कितनी भी शक्ति बढ़ा लो, अंजलि परेशान करेगी, ये बात याद रखियो। ये चीज बहुत जरूरी है समझना। तो ये 4 लेवल की सफरिंग्स होती है, ठीक है। फिजिकल सफरिंग, इंटेलेक्चुअल सफरिंग, केमिकल सफरिंग एंड एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, ठीक है। तो जब ये 4 सफरिंग खत्म हो जाती हैं, इसके बाद भी एक स्टेट बसती है। इस स्टेट की हम पार्ट 5 में बात करेंगे। वो जो स्टेट है, वहां पर भी कुछ दर्द होता रहता है। वो दर्द क्या है, वो हम पार्ट 5 में बात करेंगे। लेकिन ये 4 अगर किसी ने कॉन्कर कर लिए, तो अब वो इंसान आजाद है। अब उस इंसान को कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सफरिंग डेथ को भी कॉन्कर कर लेते। अगर आपकी डेथ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रियलिस्टिक है, तो इंटेलेक्चुअल सफरिंग नहीं होगी। क्योंकि अभी कोई मरा और आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आप साधना कर रहे थे, घर में कोई, किसी की मृत्यु हो गई, अब क्या होगा? अब वो साधना काम आएगी या दर्द होगा, दुख होगा? दुख होगा, ऑब्वियसली होगा। लेकिन आपको पता है मृत्यु क्या है, तो आप उससे
10, 12, 13, 14, 20 दिन में बाहर आ जाओगे, जो आदमी 2 साल लेता है बाहर आने में, और आ भी नहीं पाते कई लोग तो, क्योंकि उनको लगता है वो ही मेमोरी बहुत अच्छी थी, वो ही एक बहुत अच्छी थी, तो वो पकड़ के बैठते हैं, उस थॉट को पकड़ के बैठते हैं, और वो ही थॉट सेंटर्ड है, वो थॉट सेंटर पॉइंट है, वो परिक्रमा करता है उस वासना की, किसकी, मेरा पति मर गया है, उसके साथ मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, तो अब मैं उस एक्सपीरियंस को पकड़ के रखूंगी, क्योंकि पति चला गया, पति जल गया, पति गड़ गया, पर मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती हूं, इस मेमोरी को नहीं छोड़ना चाहती, इस याददाश्त को पकड़ के बैठना चाहती हूं। इससे क्या होगा, इस याददाश्त को पकड़ने से क्या होगा, इस याददाश्त को पकड़ने से मैं उसको अपने अंदर जिंदा रखूंगी। ये महामूर्खता है, क्योंकि आप मर जाओगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा, और किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो अपने आप को दुख पहुंचाए किसी दूसरे की वजह से, चाहे वो मरे, थोड़ा हार्श लग रहा होगा सॉरी, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे वो आपको छोड़ के जाए। अगर आपको पता है कि वो मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 20, 25, 30 दिन में ये जो याददाश्त है, इसके ऊपर अगर आपका ध्यान है, तो ये याददाश्त परेशान नहीं करती है, क्योंकि याददाश्त सिर्फ पास्ट में है। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है, मृत आ रहा है बीच में, ठीक है, स्मृति में भी मृत होता है, तो वो मृत है, वो ऑलरेडी डेड है, दैट इज पास्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ मेमोरी, द साइंस ऑफ थॉट्स, द साइंस ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, बिकॉज द थिंग इज दैट यू हैव गिवन सो मच वैल्यू टू योर हस्बैंड दैट ही वॉज लाइफ। अभी मैं एक शो करने गया था, तो वहाँ पे हम कैरियोके नाइट कर रहे थे, मेरा इवेंट था, तो वहाँ पे लैपटॉप में मैं गाना गा रहा था, और मेरे साथ एक और कोस्ट फीमेल सिंगर थी, तो हम लोग गाना गा रहे थे, एंड इट वॉज अ आई थिंक इट्स अ एनिवर्सरी इवेंट, सो इवेंट देन एंड ऑल दैट, तो आई वॉज जस्ट सिंगिंग, एंड सामने जो लैपटॉप है उसमें लिखा हुआ था म्यूजिक इज माई लाइफ, जो वो कैरियोकेज है, अगर आप डालो जब कोई बात बिगड़ जाए कैरियोके, तो वहाँ लिखा होता है म्यूजिक इज माई लाइफ। अरे भैया, डू नॉट मेक म्यूजिक योर लाइफ, बिकॉज इफ देर इज नो म्यूजिक वॉट विल यू डू देन, इफ देर इज नो पति वॉट विल यू डू देन, इफ देर इज नो करियर, देर इज नो पैसा, वॉट विल यू डू देन, वाई डू यू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी अदर थिंग विच इज नॉट वैल्यूएबल, यू शुड गिव द इंपॉर्टेंस टू योर शरीर एंड टू योर मन एंड टू द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, यू शुड नॉट गिव द अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, द ओनली अटेंशन, द ओनली थिंग विच डिमांड्स अटेंशन इज द बॉडी, द माइंड एंड द सोल, द कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स, बिकॉज ये लोग कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका शरीर और आपका मन आपका परम मित्र है, क्योंकि आप बाहर ध्यान देते हो इसलिए परम शत्रु हो जाते हैं। परम मित्रता सिर्फ और सिर्फ शरीर से और मन से करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका साथ नहीं छोड़ते हैं मरते दम तक। हर आदमी आपका साथ छोड़ देगा, आपका पैसा आपका नहीं है, कुछ आपका नहीं है, आपका 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 बच्चा आपका नहीं है, आपके आपकी बीवी आपकी नहीं है, आपका घर आपका नहीं है, जिसको एक्चुअली में अटेंशन टू डिटेल चाहिए वो शरीर है, वो मन है, उसको मन, उसको अटेंशन दो, उससे प्यार करो, उसके साथ रहो, तो कभी भी आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका शरीर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। हाँ, वो बात अलग है, उसको इन्फेक्शन लग जाए बेचारे को तो मर गए, फिर शरीर शरीर के पास, लेकिन फिर भी वो लड़ता है, वो आपके लिए कितना लड़ता है, कोरोना वायरस आपको हो गया, पूरा शरीर लग जाता है आपको बचाने में, और आप एक सेकंड के लिए भी अपने जीवन में उस पे ध्यान नहीं देते हो, उसको जो ध्यान चाहिए, जो ध्यान वो मांग रहा है, जो अटेंशन उसको चाहिए, आपसे उसको नहीं मिलती है, और एक वायरस अंदर जाता है, पूरा का पूरा शरीर जुट जाता है उस सिकनेस को, उस बीमारी को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, आपके लिए, जिससे आप सर्वाइव कर सको। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको अंजलि चाहिए,
क्योंकि अंजलि से शादी करके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें सुख है। तो पहले आप वो करो, जब आपको पता चलेगा तब यहां पे आना, मेरे लेक्चर सुनना, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ जिंदगी में मैंने कुछ उखाड़ लिया है। उस दिन समझ जाना कि आपकी जीवन कहीं और निकलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज में खुशी को ढूंढना महाबेवकूफी है। आपको खुश आपका सिर्फ शरीर करता है, दुख आपका शरीर करता है, मन आपका खुश करता है, शरीर करता है। जो कुछ भी ट्रिगर होता है वो अंदर होता है। आप लड़की को छूते हो, ट्रिगर अंदर हो रहा है। तो अगर ही अंदर ही आप कोई स्विच ढूंढ लो तो अंदर बाई सेल्फ आप ट्रिगर कर सकते हो। वो कैसे होगा, ये चार लेवल की जो सफरिंग है इसको पहले समझो, इसमें काम करो, इस पर ध्यान दो। और अगर लग रहा है बाहर कुछ पड़ा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्रेक थ्रू पॉइंट है ये। अगर किसी मनुष्य को लगता है कि बाहर कुछ पड़ा हुआ है तो पहले वो करेगा, बाद में ये करना चाहिए, क्योंकि वो फिर भटकेगा। वो भगवत गीता पढ़ रहा होगा, वो कहेगा कि अंजलि का टेक्स्ट आ रहा है आज डेटिंग करनी, तो सारा प्लान कैंसिल कर देगा भगवत गीता पढ़ने का, वो अंजलि के पास भागेगा। जब तक उसको अंजलि मिलेगी नहीं तब तक वहां से ध्यान हटेगा नहीं। ध्यान की प्रकृति समझो, जब तक कोई वस्तु, कोई इंसान उसको मिलता नहीं है तब तक उस पर ध्यान टिका रहता है। जैसे ही वो मिल जाता है ध्यान वहां से हट जाता है। आपको एक कार चाहिए, आप कार का ये देख रहे हो, आप कार हर तरफ आपको कार दिखेगी, कार का पहिया, कार का इंटीरियर, लेदर सीट्स एंड प्रीवियस लाइट्स एंड रूफ टॉप एंड ऑल दीज थिंग्स, यू आर लुकिंग एट इट एवरीथिंग। बट जब आपको कार मिल जाती है तो क्या आप रूफ टॉप देखते हो कि एक दिन देखा बस एक घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए या दो मिनट के लिए, खरीद लिया ना आप तो। कार आपको मिल गई, आपने ना पहिया देखे ना आपने इंटीरियर देखा, कितने देर के लिए देखा, एक घंटे के लिए, और पूरी जिंदगी बिना देखे उस कार को आप चलाते हो। तो ध्यान जब तक वहां खींचता रहता है अपने आप को, जब तक वो वस्तु या वो इंसान, वो मनुष्य आपको मिलता नहीं है। जैसे ही वो मनुष्य आपको मिलता है आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। जब तक आपको वो लड़की नहीं मिलेगी तब तक आप उसके सारे पार्ट्स पे ध्यान दोगे। अच्छा आज ये देखो ये सही लग रहा है, ये बम्प अच्छा लग रहा है पीछे, ये आगे का बम्प अच्छा लग रहा है, आज लिप्स अच्छे लग रहे हैं, आज बाल अच्छे लग रहे हैं, आज आंखें अच्छी लग रही हैं, आज ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। आप इमेजिन करते हो अंदर ही अंदर कि अब मिल जाएगा तो ये होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे किस करूं, मैं वैसे किस करूं, स्पाइडरमैन किस करूंगा, ठीक है। और जैसे ही शादी हुई आप एक बार आप एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई, आपने कब ऐसा दिन निकाला था कि बिना अपने पत्नी को छुए हुए आप सिर्फ उसकी आंखों को देख रहे हो, सिर्फ आंखों को देख रहे हो। उससे पहले जब तक नहीं मिली थी वो, तब तक आप उसकी आंखें नहीं देख रहे थे, तब तक आप उसकी आंखें देख रहे थे दूर दूर से, छुप छुप के आप इमेजिन कर रहे थे, रात में सो रहे थे, ख्वाब आ रहे थे आपको, आपको ख्वाब आ रहे थे अंदर से उसकी आंखों के। और जैसे ही वो व्यक्ति आपको मिला, जैसे ही वो स्त्री आपको मिली, वो ध्यान खत्म हो गया, ध्यान देता ही नहीं आदमी, तब तो मिल गया था। मुझे बताओ आपको लिप्स पसंद है, आपको होंठ पसंद है उसके, आपने कब उसके होंठ देखे आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी, कि आज मैं सिर्फ तुम्हारे होंठ देखूंगा, कुछ करूंगा नहीं, देखूंगा। लेकिन जैसे ही शादी होती है, जैसे ही लड़की मिलती है या लड़का मिलता है, दोनों वाइस वर्सा दोनों चीजों में, आप उसको देखते नहीं हो, आप बस पता नहीं क्या करते हो। अगर आपसे उसको देखो और उसको किस मत करो, उस देखने में भी एक संयम है, ध्यान है, उसमें भी आपको अटेंशन टू डिटेल दिखेगा कि यह चीज मैंने कभी पहले नोट नहीं करी तुम्हारे अंदर। आप उसको छोड़ो, आप अपने ही शरीर को कभी नोट नहीं करते, कभी अपने नाखून को देखो, आप देखोगे कि इससे पहले आज तक मैंने कभी नोट नहीं किया कि ये था। आप ध्यान से देखोगे, आप अपने पैरों को देखो, आप देखोगे कुछ ऐसी चोटें लगी हुई हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि कब चोट लगी थी। आप अपना हाथों को देखो एक बार गौर से, कब देखते हो अपने हाथों को, अपने पैरों को, या अपनी वाइफ के पैरों को, हाथों को कब देखते हो बिना छुए? क्योंकि छूने से क्या होता है, छू भी आदमी क्या रहा है। आदमी जब किस करता है तो आदमी क्या ध्यान देता है क्या लिप्स पे? कोई ध्यान वन नहीं देता, उसका पता नहीं कुछ अंदर ही चलता रहता है अंदर।
आदमी कहता है आप जल्दी से यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ नीचे जाऊँ, फिर और ऊपर जाऊँ, फिर पीछे जाऊँ, फिर ये जाऊँ वो, आदमी एक जगह रुकता ही नहीं है, वहाँ पर भी रेसलेसनेस है बैठा हुआ आदमी। अब मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें लोग रिलेट करेंगे और ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है ये रिलेशनशिप। इससे बड़ा अच्छा तरीके से समझाया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि हर आदमी कान खड़े हो जाते हैं, आ हाँ ये बातें बढ़िया थी, ये सही था, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, है ना। तो ध्यान तब तक रहता है जब तक वो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है। जैसे ही वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती, अर्जित हो जाती है, तब आपका ध्यान वहां पर टिकता ही नहीं। आप फड़फड़ाते हो जैसे बाहर फड़फड़ा रहे हो, कभी लिप्स पे फड़फड़ाओगे, कभी पीछे फड़फड़ाओगे, कभी ऊपर फड़फड़ाओगे, फड़फड़ाओगे, कभी भी ना आप ढंग से किस करते हो, ना उसको आप टच करते हो सही से, ना आप फील करते हो, ना देखते हो, ना सुनते हो उसको, कभी उसकी आवाज को सिर्फ सुनो ध्यान से। आप देखोगे कि उसकी आवाज में कुछ ऐसा कंस है, कुछ अलग सा है जो अभी तक आपने नोट नहीं किया। आप देखो, समझने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, जैसे ही वो चीज हमें प्राप्त होती है, हमारा ध्यान वहां से हटके कहीं और चला जाता है जो चीज हमें प्राप्त नहीं है। उससे पहले आपको कार के व्हील्स दिख रहे थे, रूफ टॉप दिख रहा था, गियर दिख रहा था, लेदर सीट्स दिख रही थी, लेकिन जैसे ही कार खरीदा, लेदर सीट हार्डली आप 5 मिनट देखते हो, उसके बाद पूरी जिंदगी आप लेदर सीट पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब तक लेदर सीट नहीं मिली थी, उससे पहले आप सोच रहे थे सोते वक्त लेदर सीट, आप चल रहे थे लेदर सीट देखते वक्त, आप गूगल कर रहे थे लेदर सीट, आप फेसबुक पे देख रहे थे, हर जगह लेदर सीट, लेदर, इतना देखा, इतना देखा, इतना। लेकिन जब एक्चुअली में वो प्राप्त हो गई, जब एक्चुअली में वो देखना चाहिए, जब एक्चुअली में उसको महसूस करना चाहिए, वहां पे टिकना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो आप सिर्फ 2 मिनट का ध्यान देके आजीवन ध्यान नहीं देते हो फिर उस पे। ये है ध्यान की प्रकृति, दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ अटेंशन, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। This is how the people are, this is how this mind works. If you understand the core concepts, you will understand everything. Now, इसके बाद एक और suffering रहती है, वो मैं part 5 में cover करूँगा. Thank you so much, take care, I have an event to go. आज मैं 12:30 से around 1 बजे मैं event से free होऊंगा. अभी just मैं आप podcast करके नहाऊंगा, सीधा मैं event करने जा रहा हूँ, ठीक है. तो thank you and I hope you can take the request and God bless you. No, sorry. If you understand the real definition of God, the universe bless, the universal energy, forget it. Wish you all the best.